कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम अपने फेस की वैक्सिंग, थ्रेडिंग, पॉलिश, फेशियल, नोज़ की ब्लैक हेड्स किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ टिप्स शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से नॉर्मल, जब मैं पार्लर नहीं जाती तो बिल्कुल पार्लर जैसा फेशियल मैं घर में किस तरह से करती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी फेस वैक्सिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं अपर लिप्स, आईब्रोज और फेस वैक्सिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं। Imagine a world dancing in the moonlight. I can only so चूज़र प्रोसेस भी मेरा फ़ाइनल होता है। मैं आईज़ को क्लीन करूँगी, ब्रश से सेट करूँगी, सीज़र से हम आईब्रोज़ को कट करेंगे। जो एक्स्ट्रा हेयर हैं, लॉन्ग हेयर हैं, पहले आप ब्रश से सेट कर लीजिए, उसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा हेयर जो हैं उनको। कट मैंने कर लिए हैं आईब्रोज़ के। आप अपनी शेप्स के हिसाब से कट करिएगा, ज़्यादा नीचे कट नहीं करना। हमें जो एक्स्ट्रा हेयर बाहर होते हैं हमें सिर्फ उन्हें कट करना है। चलिए, तो ये सारे प्रोसेस होते हैं फाइनल। उसके बाद जो हमारे स्मॉल हेयर रह चुके थे, तो अब हम आईब्रोज़ अपर लिप्स पे थ्रेड करेंगे। अब जो स्मॉल हेयर्स थे वो मैं थ्रेड से रिमूव कर रही हूँ।
ओके, तो अब मैं अपना डर्माकॉस फेशियल स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट में हम क्लीजिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्लीजिंग अप्लाई करती हूँ फेस पे। फर्स्ट हम क्लीजिंग अप्लाई कर रहे हैं फेस पे। जब हम ख़ुद फेशियल करते हैं तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम तो होती है, हम फेशियल के ज़्यादा स्टेप नहीं कर पाते हैं। इसके बाद जो मैं सेकंड यूज़ करने वाली हूँ वो डर्माकॉस का ग्लो स्कर्ब है, जो मैं फेस पे अप्लाई कर रही हूँ 3 to 4 मिनट्स।